हमने इंदिरा गांधी को भी सिखाया है, हमने जनरल वैद्य को भी सिखाया है, हम मोदी को भी सिखाएंगे। आज सिखा दें, कल सिखा दें। ये भाषा किसी किसान की भाषा नहीं हो सकती, ये पूरी तरह से राजनीतिक और सांप्रदायिक एजेंडे की भाषा है। ये बात इसलिए भी पुख्ता होती है क्योंकि साथ में खड़े हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, वही विधायक जिन पर आरोप लगे थे एंटी सीएए प्रदर्शनों के दौरान शाहीन बाग में जामिया इलाके में, कि इन्होंने जमकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी उन प्रदर्शनों को। वही विधायक अब किसान आंदोलन में पहुंचे हैं किसानों की मदद करने के लिए, और जहां पहुंचे हैं वहां पर किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, अब खुद सुनिए, दोबारा सुनिए, ध्यान से देखिए। ना कोई अदला बदली चाहते हैं, ना लोगों को सीखना चाहते हैं, हम सीखे हुए हैं। हमने इंदिरा गांधी को भी सिखाया है, हमने जनरल वैद्य को भी सिखाया है, हम मोदी को भी सिखाएंगे। आज सिखा दें, कल सिखा दें। ये हमारा ट्रैक्टर है। मोदी कहता था हम यहीं आने नहीं देंगे। हम पहली दफा ट्रैक्टर लेके पहला वो बॉर्डर तोड़ा, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा, फिर दिल्ली का तोड़ा, फिर मजनू टिल्ला। पर मजनू टिल्ला जो ठाणेदार ने हमारे लाठी मारी है ना, उसका नाम याद है, उसको भी सबक सिखाएंगे। छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ते नहीं, अपना साथ बराबर करते, दिल में नहीं रखते, दिल में तो रखेंगे नहीं है। हम जाएंगे जरूर, ये भी तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। ये भाई है हमारे साथ, चले तोड़ेंगे, जरूर तोड़ेंगे। यही सिमरजीत सिंह मान भी आ रहे हैं। जब से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ये किसान इकट्ठा हुए हैं, इस प्रदर्शन से, इस आंदोलन से लगातार इस तरह की बोलियां, इस तरह की भाषा, इस तरह के वीडियो, इस तरह के बयान सामने लगातार आ रहे हैं, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं खालिस्तान समर्थक इसमें शामिल हैं, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक एजेंडा है। आपने आपको याद होगा कि दीप सिद्धू, एक शख्स जो कि पुलिस ऑफिसर से इंग्लिश में बहस कर रहे हैं किसानों को दिल्ली में अंदर घुसने के लिए अपने अधिकारों के लिए। ये इंकलाब है सर, ये रेवोल्यूशन है। एंड इफ दे आर नॉट गोइंग टू, इफ दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस मैटर, ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी, इट विल डिफाइन द नेक्स्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस होल जियोपॉलिटिक्स ऑफ दिस एंटायर कंट्री एंड साउथ एशिया। इट्स गोइंग टू बी रियली सैड फॉर देम, नो, बिकॉज किसानों की जमीन ही ले गए तो बचा क्या है, खुदकुशियां कर से। No, we are not assuming it's definite. Sir, there are examples in agriculture. Devil is in the detail. Abhi to bahut kuch is mein law mein bahut saari cheeze hongi. I'm nobody to comment on that first of all, but I'm just discussing with you. Yes, please. इसकी बड़ी तारीफ हो, कहा गया कि देखो एक किसान कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, वो भी इंग्लिश में, वाह। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें उसको फार्मर बताया गया, बाद में उन्होंने डिलीट कर लिया। दरअसल पता चला कि वो तो किसान नहीं है, वो तो पंजाबी फिल्मों के एक्टर हैं, दीप सिद्धू। आप सोचिए, एक पंजाबी फिल्मों के एक्टर को क्या पड़ी है कि वो किसानों के आंदोलन में आए, लेकिन उसको ठीक से पहचानने के लिए आप बरखा दत्त का ये इंटरव्यू देखिए। बरखा दत्त को लगा कि भाई ये तो एक बड़े वोकल फार्मर समर्थक हैं, इसे बात करनी चाहिए, लेकिन बाद में बरखा दत्त को भी पता चला कि दरअसल वो तो आतंकी भिंडरा वाले, 1984 दंगों के आतंकी, 1984 में खालिस्तान के जो प्रायोजक थे भिंडरावाला, उनके समर्थक हैं। उसकी भाषा, दीप सिद्धू की भाषा देखकर तो बरखा दत्त भी चुप नहीं रह पाई। अब वीडियो देखिए। व्हाट इज हैपनिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन सम जर्नैल सिंह भिंडरावाला, ही स्टार्टेड फाइटिंग, ही आल्सो फॉट फॉर अ रीजन, एंड व्हाट वाज द रीजन, अ स्ट्रांग फेडरल स्ट्रक्चर, बट ही वाज अ टेररिस्ट, बट ही वाज अ टेररिस्ट, नो, प्लीज, no, please understand, we have to understand this. He was, you know, promoted, you, I can say, or the whole narrative was created against him that he was a terrorist. But please go back to 1978. I'm telling you, Barkha, you got to read about it, and all the citizens should read about it. You know, how state project everyone, you know, the way they want to project, the way they want to control the whole narrative. In 1971, they started their Morcha, and that Morcha was only for strong fundamental structure in the country. Where I'm saying, they said, whatever we
the whatever be the context in which Bhindranwale originally started, whatever be the context in which he was originally that way even supported, and propped up by the Congress Party. I'm not talking about historically what started and what happened. The fact is Bhindranwale was a terrorist. The fact is Bhindranwale proposed the Golden Temple. There were terrorists inside the Golden Temple, and so on. So the point, what is happening is right now you are being criticized for having supported terrorists like Bhindranwale, and I want you to respond to that. Yeah, let's not go into the historical roots of I'm saying he wasn't a terrorist. He fought for strong fundamental structure. That's about it. Let's not go into that. You don't think Bhindranwale was a terrorist? You don't think Bhindranwale was a terrorist? And you don't think legitimizing him like this is undoing the legitimate cause today that you are standing with and by for farmers? You see, this is the problem. The problem is that one thing actually totally dilutes the other. I understand what you're saying. But see, how can we drift away from the truth? And what today we are fighting for, that's not even a cause. The cause we are fighting for. So what I personally think, see, that's what, I have a fundamental right to speak. What I personally think and the way I look at it and the way you look at it may differ, right? So we agree to disagree. But what agree to disagree on many things, including the farmers agitation, where, by the way, I do stand with the farmers. But we can't disagree on an empirical fact that the Prime Minister of this country was assassinated by terrorists who wanted a separate country for Sikhs, that Punjab was scarred by that, that there was a Golden Temple, a beloved place of worship to all of us. I'm a Punjabi, that was occupied by terrorists and that was sullied by terrorists like Bhindranwale. And, I had expected you to do an unequivocal condemnation of this terrorist and what he stood for. And instead, I'm seeing a rationalization and a justification, which I think is diluting and undermining the cause that you have stood for. इसके अलावा भी लगातार कई बयान हैं जो कि लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन में उसमें कुछ गड़बड़ जरूर है. जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस मामले को उछालने में लगी है, लेकिन कुछ और भी है जो कि इस किसान आंदोलन पर संशय करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उकसाता है, कहीं दिखाता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है. आप एक और वीडियो देखिए. इमरान खान हमारा भाई है, दुश्मन हमारा दिल्ली बैठा है. इमरान खान हमारा भाई है, दुश्मन हमारा दिल्ली बैठा है. पंजाब से चले किसानों का कहना था कि उन्हें केंद्र सरकार से बात करनी है. दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर का टाइम दिया, लेकिन उससे पहले ही किसानों का जत्था दिल्ली की पहुंचने की कोशिश करने लगा. यहां पर पहुंचे तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ठीक है, हम बात करेंगे. जब बात करने की बारी आई तो उन्हें कहा कि हम बात नहीं करेंगे, आप पहले कानून को हटाइए. कानून में क्या हटाया जाए, जब इसकी बात होती है तो बताते हैं कि एमएसपी को हटाया जा रहा है. और सरकार कहती है कि एमएसपी पहले की तरह ज्यों का त्यों जारी रहेगा, एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भी किसी धान या गेहूं या फिर किसी भी फसल के का होता है, वो प्राइस पहले की तरह जारी रहेगा, कोई बदलाव नहीं है. बल्कि कुछ और सुविधाएं दे दी गई हैं किसानों को. लेकिन किसान उसको भी कहते हैं कि दरअसल ये तो छलावा है, ये गड़बड़ है. तो कहीं ना कहीं गोल मटोल करने की कोशिश की जा रही है. कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खत्म करने के बजाय, मुद्दे को खत्म करने के बजाय, कहीं ना कहीं इसमें आग भड़काने की कोशिश लगातार जारी है. ये इसलिए भी यहां पर कहीं ना कहीं संशय इसमें दिखाई देता है, इसमें कहीं ना संदेह पैदा होता है. क्योंकि जिस कोऑर्डिनेटेड वे में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में लगातार सोशल मीडिया पर इस किसान आंदोलन के समर्थन में नए नए लोग पैदा हो रहे हैं, और उनकी जो भाषा है वो कहीं ना कहीं एक तरह का संशय, एक तरह का संदेह पैदा करती है. मसलन इन भाई साहब को देखिए, ये कर्नाटक के नेता हैं. ये बाकायदा, इससे पहले आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन बाकायदा ये भारत के किसानों की इनको बड़ी चिंता हो रही है और इस तरह का बयान दे रहे हैं. Farmers are the backbone of our society. They feed cities, and right now, farmers are under attack in India. Folks in my riding are concerned about new laws that are passed by the Indian government that are going to hurt farmers in Punjab, Haryana, and others across India. And that's why I'm asking all members of this House to come together to stand with farmers against these unjust laws by the Indian government, so farmers in India can live with the respect and dignity that they deserve. Thank you, Speaker. इसके अलावा इंग्लैंड टीम में क्रिकेटर रहे मोंटी पनेसर. इससे पहले आपने सिर्फ उनको क्रिकेट खेलते देखा होगा,
इससे पहले भारत में किसी मुद्दे पर आपने ना कभी इनको सुना होगा ना कभी इनका ट्वीट देखा होगा, लेकिन पहली बार ये किसान आंदोलन को लेकर उसके समर्थन में लगातार ट्वीट कर रहे हैं। क्यों अचानक इनको किसानों के हित में बोलने की क्या पड़ी है? लेकिन कोऑर्डिनेशन देखिए, एक साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आवाजें आती हैं। क्या इसमें ये एक स्वतस्फूर्त प्रक्रिया है, एक ऑर्गेनिक वे में लगातार लोग विरोध कर रहे हैं? ऐसा तो दिखाई नहीं देता, बल्कि पंजाब के भी जो जो बॉलीवुड में काम करने वाले लोग हैं या फिल्म स्टार हैं, जो जो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी हैं, वो भी जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में ट्वीट कर रहे हैं, उससे देखकर लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अदरवाइज इससे पहले हमें इन लोगों को किसी सामाजिक मुद्दे पर हमने बोलते, कम से कम किसानों के मुद्दे पर हमने बोलते हुए इनको नहीं सुना। लेकिन कोशिश ऐसी है कि किसानों को आगे किया जाए और अपना एजेंडा चलाया जाए। अपना एजेंडा क्या? खालिस्तानी अपना चला रहे हैं, कांग्रेसी अपना चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपना चला रही है, और कुछ लोग जो लगातार अपना एजेंडा चलाते हैं, योगेंद्र यादव जैसे लेफ्टिस्ट और लिबरल, उनकी दुकान भी लगातार जारी है, वो भी अपने दुकान खोलकर बैठ गए हैं। अब आगे आगे देखते होता है क्या। लेकिन ध्यान रखिए, इस आंदोलन में किसान जरूर हैं, उनको दिग्भ्रमित किया गया है, उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया गया है, उनसे बात होनी चाहिए, उनका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन इनके पीछे से जो एजेंडा की आवाजें आ रही है, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। नमस्कार।